हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, हमने अभी तक डीसी मशीन के अंदर कंस्ट्रक्शन को देखा है और वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, हमने जो 5-6 टॉपिक था उनको बढ़िया से देखा विथ डिटेल डिस्कशन एंड एनिमेशन के थ्रू। अब जब वहाँ से आगे बढ़ने हैं तो कंस्ट्रक्शन पार्ट के ही कुछ टेक्निकल टर्मोलॉजी हैं जिनको डिस्कस किए बिना आप अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ आपको लैगिंग लगेगा, कहीं ना कहीं टकराएगा और आपको लगेगा ये चीज़ें नहीं जान रहे। तो वो टर्मोलॉजी क्या, कौन कौन सा है टेक्निकल टर्मोलॉजी? इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल, पोल पिच एंड पोल आर्क, क्वाइल पिच जिसको क्वाइल स्पैन भी बोला जाता है, फुल पिच एंड शॉर्ट पिच, इसी को फ्रैक्शनल पिच भी बोला जाता है और इसी को कॉर्डेड क्वाइल भी बोला जाता है। तो ध्यान रहे यहाँ पे टर्मोलॉजी को समझिए, पोल पिच और पोल आर्क ये पोल से रिलेटेड टर्म होंगे मशीन में, और क्वाइल वाला क्वाइल देखिए क्वाइल पिच या क्वाइल स्पैन, फुल पिच या शॉर्ट पिच ये क्वाइल से रिलेटेड टर्मोलॉजी होंगे। तो अपने को ध्यान में रखना है जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये पोल से रिलेटेड टर्म है और ये क्वाइल से रिलेटेड टर्म है। ऐसे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से जानने के लिए ये टर्मोलॉजी आपको जानना चाहिए। इसलिए मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से जानने के लिए इससे पहले सर्किट थ्योरी में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया था वहाँ पर, फिर भी यहाँ है तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इस टाइप में कई बार कि स्लॉट पर पोल कैसा होता है, कितना होता है। तो पोल पिच को दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो इलेक्ट्रिकल एंगल में, पोल पिच हमेशा इलेक्ट्रिकल एंगल में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है स्लॉट पर पोल के टर्मोलॉजी में बता देता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं कि मान लीजिए कि 96 स्लॉट्स हैं और पोल 4 हैं, तो बताइए स्लॉट पर पोल कितने हो गए, यानी उसको स्लॉट पर पोल बोल दिया तो 96 भागा 4 सब कर देगा, लेकिन वहाँ पूछता है पोल पिच, तो पोल पिच होता है एक पोल के एरिया में कितना आने वाले होते हैं टोटल स्लॉट्स, तो उसको हम पोल से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम चलिए आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात की है। इलेक्ट्रिकल को लिया मैंने थीटा, इलेक्ट्रिकल थीटा ई, एंड मैकेनिकल एंगल को माना थीटा एम। कहते हैं कि समझिएगा यहाँ से, एक कंप्लीट एक कंडक्टर को यहाँ से अगर यहाँ तक लगातार घुमा दिया जाए, एक कंडक्टर को इस एक्स वाई एक्सिस पर अगर लगातार एक चाप से आप घुमाओगे तो मैक्सिमम कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। कितना होगा मैक्सिमम होगा कितना, 360 डिग्री। यानी ये थीटा मैकेनिकल की आप बात की अगर करते हो तो एक मैकेनिकली किसी भी चीज़ों को किसी भी एलिमेंट को अगर मैकेनिकली यहाँ से यहाँ घुमाया जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, थीटा 360 डिग्री। तो यानी मैकेनिकल एंगल कभी भी 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक कंप्लीट चाप को अगर घुमाते हो तो मैकेनिकल कभी भी 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इधर आइए, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कहता है कि एक कंप्लीट कंडक्टर, अब इलेक्ट्रिकल एंगल तो वेव पे चलेगा, इलेक्ट्रिकल एंगल कहाँ है, हवा में तो है नहीं, वो वेव में होता है, वेव में, वेव के अंदर, ये ऐसा अगर कोई होता है तो वेव के अंदर होता है एंगल, ठीक है, और वेव के अंदर होती है फ्रीक्वेंसी। तो समझिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंगल ये कहता है कि एक कंडक्टर एक कंप्लीट साइकिल अगर लगाएगा, एक कंडक्टर अगर एक कंप्लीट साइकिल लगाएगा तो थीटा इलेक्ट्रिकल का मान 360 भी हो सकता है, और कह रहा है थीटा का मान इसका जस्ट डबल 720 डिग्री भी हो सकता है, और थीटा का मान एम मल्टीपल ऑफ 360 हो सकता है। कितना बोल रहा हूँ, एम मल्टीपल ऑफ 360 हो सकता है। अब कोई ये कैसा हो सकता है, ये भी एक बार घूमेगा तो इसका 360 ही होना चाहिए, 720 कैसे, और एम क्रॉस यानी एम का मतलब हो गया 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इससे बढ़ता जाता है। तो जहाँ एम क्या है, एम कहता है ये डिपेंड करता है, एम किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स समझिएगा यहाँ बारीकी से, ऑन नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, जहाँ एम कहता है कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल। अगर टू पोल मशीन होगा तो थीटा 360 ही होगा, अगर फोर पोल मशीन होगा तो थीटा इलेक्ट्रिकल 720 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे अगर एम मल्टीपल है तो यहाँ 360 गुना एम हो जाएगा, यानी पेयर जैसा जैसे बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रिकल एंगल बढ़ने लगेगा। आपको ये भी तो एक 360 ही होना चाहिए, इतना कैसे हो रहा है, तो अभी इसी पे चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यही कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होता है तो आपका फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा हो जाएगा, आप फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ पाएंगे, नहीं तो फ्रीक्वेंसी भी आपका यूं ही रह जाता है कमजोर, फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग बहुत कोई नहीं जानता एक्चुअली होता क्या है। चलिए यहाँ से चीज़ों को हम देखते हैं एक बार, यहाँ से पहले इस चीज़ों को देखते हैं।
आपके लिए बोला गया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल, ये मशीन है, ये मशीन कि में पोलों की संख्या कितनी है 2 और यहाँ पे मशीन में पोलों की संख्या कितनी है 4। अलग अलग कंडीशन पे मैंने इन वैल्यू को लिया है। अब समझिएगा, एक कंडक्टर यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ है और मैं इसको कंप्लीट साइकिल दूंगा, तो बात सुनिएगा यहाँ पे, ठीक से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से दिमाग रख के एकदम आसानी से और बहुत अच्छे से देखना है चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। मैं पहले कहता हूँ मैकेनिकल की बात करूँ, कौन सा एंगल, मैकेनिकल एंगल की अगर बात करूँ तो देखिएगा, अगर ये कंडक्टर कंप्लीट एक साइकिल यहाँ से यहाँ लगाता है तो कितना डिग्री कंप्लीट करेगा, 360, कितना करेगा 360। यानी ये कंडक्टर अगर मैकेनिकली बात करें, इसको यहाँ से यहाँ तो घुमा तो कितना एंगल घूमेगा 360। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 360 का साइकिल बनाता हूँ तो ये रहा 360, ठीक है, मैक्सिमम इसका कितना होगा 360, एक कंप्लीट साइकिल में कितना 360। चलिए इलेक्ट्रिकल एंगल की बात कर लेता हूँ, थीटा इलेक्ट्रिकल। अब थीटा इलेक्ट्रिकल की बात करो, अभी तो मैकेनिकली हुआ कि पत्थर को भी यहाँ से यहाँ अगर घुमा दे तो कितना डिग्री घूमेगा जी 360। यहाँ से अगर चलना कोई शुरू किया और यहाँ तक कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री बना देगा। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हूँ, देखिए ये कंडक्टर है मेरा और ये कंडक्टर को अब कंप्लीट एक साइकिल लगाना है, समझिएगा, जब ये कंडक्टर कंप्लीट एक साइकिल लगाएगा यहाँ से लेके यहाँ कर यहाँ तक आएगा तो कितना डिग्री बनाएगा टोटल 360, कितना बनाएगा जी 360, समझिएगा, यहाँ पे 360 बनाया, इसका मतलब मैकेनिकली कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ घुमाया जाता तो कितना का डिग्री बनाता 360, 180 यहाँ तक और 180 यहाँ तक 360। तो वही चीज़ है, थीटा मैकेनिकल की बात की जाए तो यहाँ 180 और यहाँ मैं बोलूँगा कितना 360, है ना, एन पोल पे मैंने माना कि ये 180 और एस पोल पे कितना 180, तो दोनों मिलके कितना दिया 360। तो थीटा मैकेनिकल मैक्सिमम भी कितना हो सकता है 360, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अगर सिर्फ टू पोल मशीन है, कितना पोल मशीन है 2 पोल, यहाँ देखिए पोलों की संख्या एन और एस, 2 पोल मशीन है, तो इस कंडक्टर को यहाँ से यहाँ कट कराऊँ तो यहाँ पर ये कंडक्टर लगातार किस फ्लक्स को कट करेगा, ये वाला फ्लक्स जो आ रहा है एन टू एस जो फ्लक्स आ रहा है, ये रेड कलर का जो लाइनिंग है इसको कट करते हुए यहाँ तक आएगा, तो लगातार किसको कट कर रहा है जी, लगातार आपको एन पोल को कट कर रहा है, एन पोल के फ्लक्स को कट कर रहा है। यहाँ देखिए फ्लक्स कम है, यहाँ फ्लक्स कम है, यहाँ पे फ्लक्स की मेजोरिटी ज़्यादा है, डेंसिटी इधर फ्लक्स की ज़्यादा है, तो इसीलिए जब ये वेव शेप बनाता है तो देखिए ऐसा वेव शेप बना लेता है जिसमें नेगेटिव पोल पे, देखिए नेगेटिव पोल है ये एन पोल पे, एन पोल पे यहाँ से यहाँ कंडक्टर आया तो ऊपर, फिर एस पोल पे यहाँ आया तो कंडक्टर में, यहाँ देखिए एस पोल पे क्या हो गया ये यहाँ पे। तो सिर्फ टू पोल मशीन की अगर बात की जाए तो जितना थीटा मैकेनिकल होता है उतना ही क्या होता है थीटा इलेक्ट्रिकल, जितना थीटा मैकेनिकल होता है उतना ही थीटा क्या होता है इलेक्ट्रिकल। टू पोल मशीन के लिए हमेशा वैलिड होता है क्योंकि ये मैकेनिकल 360 तो हमेशा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल की बात करें, जब ऊपर गया तो एन पोल पे क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव वाले एन पोल पे कट किया पूरा यहाँ से यहाँ और एस पोल पे कट किया, यानी वेव शेप क्या, यहाँ तो पूरा पॉजिटिव में जाएगा तो यहाँ पर देखिए वेव शेप यहाँ ऐसे गया और लौट के फिर ये नेगेटिव 180 के बाद, यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 के बाद देखिए कितना दे रहा है ये यहाँ आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कितना डिग्री है 360। अब बात करते हैं 4 पोल मशीन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं बोलता हूँ 4 पोल मशीन में, 4 पोल मशीन में एग्जांपल के तौर पे कंडक्टर को हमने यहाँ रखा है इन दोनों पोल के बीच में, देखिए कहीं भी दोनों पोल के बीच में आप रख के देखिए, यहाँ भी दोनों पोल के हमने बीच में रखा था, यहाँ भी हमने दोनों पोल के बीच में, यहाँ पे लेकिन पोलों की संख्या कितनी है 4, पोलों की संख्या कितनी है 4। अब देखिए अगर कोई यहाँ से यहाँ मैकेनिकली घूमेगा तो कितना एक साइकिल में कितना डिग्री लेगा जी 360, एक साइकिल में कंप्लीट डिग्री कितना लेगा 360, कौन सा थीटा मैकेनिकल, दिख रहा है कि नहीं, थीटा मैकेनिकल कितना लेगा 360, हमने इतना चेक कर लिया। अब देखिए जब कोई इलेक्ट्रिकल एंगल की बात करे, जब थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल की बात करे तब क्या देखने को मिलता है, देखिएगा जब ये कंडक्टर, अब थीटा इलेक्ट्रिकल जब भी बात होगी तो वेव की बात होगी, अब समझिए गया ये क्या करेगा, एन टू एस, एन एस एन एस पोल ऐसा है तो फ्लक्स कैसा चल रहा होगा इसका, देखिए एन टू एस ऐसा फ्लक्स चल रहा होगा, फिर देखिए एन टू एस फ्लक्स ऐसा चल रहा होगा इस तरीके से मशीन के अंदर चलता है, और फिर देखिए एन टू एस ऐसे फ्लक्स चल रहा होगा, और फिर एन टू एस कैसे फ्लक्स चल रहा होगा ऐसे चल रहा होगा,
और ये लूप कैसे कंप्लीट करता है जी, इस कोर से, हाँ इसीलिए हमने बोला था ये स्टेटर कोर क्या करता है, फ्लक्स का माध्यम होता है, मीडियम होता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने बारे में। पहले देखिए, अगर ये ग्रीन कलर का कंडक्टर है, ये अगर इस फ्लक्स को कट करता है, तो यहीं पर एक कट किया तो एक से पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर ले लिया। इसका मतलब है अगर मैं इसकी चर्चा करूँ तो समझिएगा, यहाँ से सिर्फ इतनी दूरी पे जाएगा तो एक कंप्लीट पॉजिटिव वेव बनाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब है देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकली कितना है, सिर्फ 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ मैकेनिकली कितना डिग्री है, 90। लेकिन जब इलेक्ट्रिकली बात की जाए, इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, तो यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट साइकिल ये बना चुका पॉजिटिव में। यहाँ से एन पोल के पास हमेशा कैसा बनाएगा, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ इसने बना लिया एक, देखिए एन पोल पे इसने बना लिया, जितने पोल मिलेंगे उतने ही इसके पीक बनते जाएंगे, यहाँ एक बना। अब जब कंडक्टर यहाँ आया तो साइकिल एक कंप्लीट कराना अपने को। अब ये कंडक्टर जब यहाँ से यहाँ गया होगा तो कितने दूरी, 90 से 180 के बीच गया होगा, यहाँ से अब यहाँ तक गया होगा। लेकिन पोल कैसा है, एस। तो जब हम यहाँ से यहाँ पॉजिटिव बनाए तो यहाँ पर नेगेटिव साइकिल बनाएंगे। इसका मतलब अब सिर्फ 180 डिग्री के दूरी पे ये एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। देखिएगा, सिर्फ 180 के डिग्री पे एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, कैसे, यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में। फिर अगर यहाँ की तक की बात करें तो फिर क्या होगा, ये पूरे पोल पे आएगा तो फिर क्या बनेगा जी, एन पोल पे क्या बनाएगा, यहाँ पे यहाँ देखिए अलग शेप कैसा बनेगा, सिर्फ मैकेनिकल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो मैकेनिकली सिर्फ 90 डिग्री की बात करें तो ये फिर एक शेप बनाने लगता है ये, लेकिन पोल कौन सा है यहाँ पे, फिर एन पोल है। यहाँ पे कैसा पोल है, एन पोल है। फिर बात कीजिए यहाँ से जब ये फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ से जब ये फिर यहाँ तक आएगा तब ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ कंडक्टर घूम के कंप्लीट यहाँ तक आएगा तो फिर ये कितना बना रहा है, फिर एक हाफ साइकिल देगा, यानी ये इसके थ्रू ये पूरा साइकिल एक देगा यहाँ वाला, यानी कितना देगा यहाँ पर देखिए, समझा रहा हूँ फाइनली, ये दिया आपको फाइनल एक और। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, एक कंडक्टर अगर कंप्लीट साइकिल लेता है तो मैकेनिकली 360 डिग्री होता है, मैकेनिकली कितना होता है, 360 डिग्री। लेकिन इलेक्ट्रिकल वेव में बात करें, जो यहाँ पे वोल्टेज या करंट उत्पन्न हो रहा है आपका उस कंडक्टर पे, एन पोल पे पॉजिटिव, एस पोल पे नेगेटिव, एन पोल पे पॉजिटिव, एस पोल पे नेगेटिव, एन पोल पे पॉजिटिव, एस पोल पे नेगेटिव, ये देखिए एस पोल पे नेगेटिव, फिर एन पोल पे पॉजिटिव, एस पोल पे नेगेटिव। तो जब प्लस माइनस जब हो रहा है और यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है तो एक वेव कंप्लीट कर रहा है, जब यहाँ पे एक वेव कंप्लीट होता है वहीं पे कितना डिग्री हो जाता है, 360। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 720। तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा इलेक्ट्रिकल जब फोर पोल मशीन हो गया P=4, तो थीटा मैकेनिकल तब भी कितना रहता है, 360, लेकिन थीटा इलेक्ट्रिकल कितना हो जाता है, 720। इसका मतलब पोलों की संख्या पर निर्भर करता है इलेक्ट्रिकल एंगल, पोलों की संख्या पर निर्भर। अब सोचो एट पोल अगर हो जाए, यहाँ भी पोल तो NS आता जाएगा, तो वेव भी फटाफट बनता जाएगा। इसीलिए जब आपके फ्रीक्वेंसी बढ़ाने होते हैं, समझिएगा यहाँ पे लॉजिक समझिएगा, जब आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होता है तो नंबर ऑफ पोल की संख्या बढ़ा देते हैं। स्पीड कम भी हो और फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा चाहिए, पोलों की संख्या बढ़ा दिए, एक ही चक्कर में उसकी फ्रीक्वेंसी फटाफट आगे बढ़ जाता है। इसीलिए आप जब सिंक्रोनस पढ़ेंगे, हाइड्रो टर्बाइन की स्पीड कम होती है तो पोलों की संख्या बढ़ा दी जाती है ताकि वेव बहुत जल्दी कंप्लीट करे, और वेव बहुत जल्दी कंप्लीट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी राइज कर जाती है। तो हमको वहाँ पे इतनी चीज़ों अभी डिस्कस नहीं करना, अभी तो अपने वो समझ लेना है कि हाँ, हमने जो स्टार्टिंग में आपको बोला कि थीटा मैकेनिकल कभी 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता, सही में वही चीज़ है, लेकिन थीटा इलेक्ट्रिकल 360 भी हो सकते हैं, 720 भी हो सकते हैं, और एम मल्टीपल ऑफ क्या हो सकता है, 360, जहाँ पे M क्या है, पेयर ऑफ पोल्स। दो पोल के लिए कितना होगा, 360। चार पोल के लिए कितना हो गया, आप कह सकते दो पोल के लिए 360, तो चार पोल के लिए कितना, 720। आठ पोल के लिए कितना, उसका जस्ट डबल फिर, है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो अब दोनों में रिलेशन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ से थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल के बार एग्जाम पे आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या दोनों में आखिर रिलेशन होगा। रिलेशन जब निकालना होगा, यहाँ दिखता है ना आपको, तो थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में फॉर्मूला कहता है कि क्या रिलेशन होगा, तो हम बराबर करने के लिए अपने आप सोचेंगे कि बराबर कब होगा, कौन ज़्यादा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हमेशा ज़्यादा हो सकता है ना, या बराबर होगा टू पोल में, या तो इलेक्ट्रिकल ज़्यादा होगा, मैकेनिकल कभी ज़्यादा हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल हमेशा किसका गुना हो सकता है जी, हमेशा किसका गुना हो सकता है,
थीटा मैकेनिकल कलीन किसके साथ, पी बटा टू, पी बटा टू, क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ पोल होता है ना, एक पोल पे डिपेंड नहीं करता, पेयर पोल, जैसे दो पोल के लिए 360, चार पोल के लिए 720, इसीलिए दो वहां पे पेयर ऑफ पोल है, समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कई बार। तो क्या हुआ, अगर टू पोल मशीन है तो दो बटा दो कट गया, थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए फोर पोल मशीन है तो क्या हो जाएगा, अगर फोर पोल मशीन है तो थीटा इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, टू इंटू थीटा मैकेनिकल, इसका मतलब क्योंकि फोर यहां देंगे तो दो दो कट गया दो, तो टू इंटू 360, इसका मतलब 720, इसका मतलब हमने जो यहां फॉर्मूला लिखा है वो बिल्कुल राइट है। आप इसको हमेशा कभी भूल भी जाते हो तो चेक कर सकते हो कि कौन बड़ा होगा जी, हमेशा यही हो सकता है, जो किसका मल्टीपल हो सकता है, थीटा मैकेनिकल का मल्टीपल हो सकता है। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आपका रहेगा तो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है, थीटा मैकेनिकल क्या हो सकता है। यहां पे थीटा आप समझिए, एक चीज और गौर से समझिएगा, यहां से यहां पे इतना ही दूर कोई जाए तो मैकेनिकल एंगल कोई पूछेगा कितना होगा जी, इतना डिग्री, ये देखिए यहां से यहां तक मैकेनिकल कितना होगा, तो कोई कहेगा 90 डिग्री, मैकेनिकल एंगल कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन कोई पूछे इतने दूर का थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होगा, तो आप ध्यान रखें हर एक पोल कंप्लीट करता है, जब हर एक कंप्लीट ये पोल कंप्लीट करता है उसकी एंगल हमेशा कितनी होती है इलेक्ट्रिकल में, 180 डिग्री, कितनी होती है जी 180 डिग्री। देखिए 180 बना रहा है यहाँ पे, एक साइकिल पे कितना बना रहा है 180, फिर यहाँ पे 180, फिर आगे जी 180 कितना हो गया 360, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब हर पोल, पोलों की संख्या चाहे कितना भी बढ़ा दो, टू पोल में भी देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल यहाँ से यहाँ कितना 180 डिग्री, एक पोल का पोल पिच के अकॉर्डिंग होता है, पोल पिच अभी बताऊंगा, तो कितना 180 डिग्री। यहां भी एक पोल के एंड होते ही इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कितना थीटा 180 डिग्री, लेकिन मैकेनिकल कोई बोले तो कितना होगा जी 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी पोल पिच और पोल आर्क में आपको काम आएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया। अब बात रही फ्रीक्वेंसी की, एक चीज तो तय हो गया ना, देखो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, यह है कम फ्रीक्वेंसी, यह ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए अगर इसको थीटा मैकेनिकल एंगल ना भूलिए, तो एक वेव ऐसा दे एक वेव ऐसा दे, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जो ज़्यादा पल्स बनाता हो, यानी कम टाइम पीरियड में जो ज़्यादा पल्स बना लेता हो वही इसकी क्या होगी, हायर फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल में टू पोल मशीन है तो ऐसा वेव बना, अब फोर पोल मशीन है तो ऐसा वेव बना, तो इसका क्या मतलब है कि आपका पोलों की संख्या बढ़ेगा तो हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, राइज करता है। इसीलिए मशीन के अंदर देखिए एक फॉर्मूला होता है, आगे जो हम डिस्कस करेंगे होता है फॉर्मूला, देखिएगा आगे पढ़ रहा है पी इक्वल टू 120 f/n। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको पोलों की संख्या बढ़ाइएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगा, राइज, यानी कह सकते हैं पी समानुपाती किसका होता है, एफ का। इस चीज को हम आगे देखेंगे, यानी आपका फ्रीक्वेंसी समानुपाती पी, पी बढ़ा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आगे मशीन के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे चलते हैं पोल पिच और पोल आर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए है, देखिए पोल पिच एंड पोल आर्क क्या मतलब है इसका, अभी समझिए, नाम में पोल लगा हुआ है, क्वाइल वाला टर्म नहीं है, लिखा हुआ है पोल पिच और पोल आर्क, तो पोल से रिलेटेड टर्म है यहाँ पे, समझिए। पोल पिच किसको कहा जाता है, डिफिनेशन देखिए, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, यानी एक पोल और उसके जस्ट आने वाला पोल के बीच जो एंगुलर डिस्टेंस होगा वही होगा क्या आपका पोल पिच। तो यहाँ से बात करें, अगर टू पोल मशीन की बात की जाए, यहाँ से समझिएगा टू पोल मशीन की बात की जाए, तो इसके सेंटर से यहाँ पे क्या होता है, इसके सेंटर से चलिए और यहाँ से चलिए, इसके सामने वाला कौन सा पोल है, यहाँ पे है इसके सेंटर तक, तो आप ये भी कह सकते हैं पोल के सेंटर से, है ना, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल वही होता है आपका पोल, आपका पोल पिच, यानी यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ये भी चीज़ एक होता है। दूसरा, और यहाँ से समझिए, एक पोल है इस, ये भी पोल है, इसको 50-50 करिए, क्या कीजिए 50-50 करिए, तो यहाँ से यहाँ बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा इसका पोल पिच, पोल पिच क्या कहलाएगा, अब इस दो में ही पूरा हिस्सा है, 360 का हिस्सा सिर्फ दो पोल में ही है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पोल पिच जो है, पोल पिच जो है वो कितना है यहाँ पे जी, पोल पिच की बात करें तो यहाँ 180 कितना है जी इलेक्ट्रिकल, 180 इलेक्ट्रिकल, पोल पिच की बात करें तो 180 इलेक्ट्रिकल, वो बात अलग है, अभी मैकेनिकल भी कितना है 180 डिग्री। अगर यहाँ पर कोई बोले पोल पिच
ये इलेक्ट्रिकल थीटा इलेक्ट्रिकल है 180 डिग्री, लेकिन कोई कहता थीटा मैकेनिकल कितना है जी, वो भी 180 डिग्री है, क्योंकि पोल पिच कहते हैं सेंटर के ये दोनों पोल के सेंटर से उन दोनों पोल एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी, तो एंगुलर डिस्टेंस है कितना यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पोल पिच। पोल आर्क किसको कहते हैं पहले समझिएगा, पोल आर्क किसको कहते हैं, देखिए ये पोल क्या लिखा हूं, कर्व ऑफ पोल, कर्व ऑफ पोल जो होता है वही पोल आर्क होता है। देखिए कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यही है पोल का आर्क। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अगर यहां पे सेंटर से देखना चाहूं इसको, मैं यहां से देखना चाहूं तो यहां से उठाइए और यहां उठाइए, ठीक है। तो यही आपका क्या बन रहा है जी, यहां से यहां पोल आर्क, किसको क्या बोलते हैं पोल आर्क। ये एरिया क्या कहलाएगा, यहां से यहां पोल आर्क, इसको मान लेता हूं मैं बोल रहा हूं अल्फा, ये क्या है अल्फा। तो यहां पे यहां से यहां की दूरी जो होती है एंगुलर डिस्टेंस वो क्या कहलाता है पोल आर्क। और यहां से यहां एक पोल के अंदर एरिया क्षेत्र में कितना एंगल आ रहा है, कितना इसका एंगुलर डिस्टेंस आ रहा है वो कहलाता है पोल पिच। ध्यान रहे कहीं भी पोल पिच हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कितना होता है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक कंडक्टर अगर घूम के जाएगा, एक कंडक्टर घूमेगा तो यहाँ एन और यहाँ एस, तो 360 बनाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कितना होगा, यहाँ देखिए एक एन और एक एस, कभी भी एक कंडक्टर घूमेगा तो एन बनाएगा एक एस बनाएगा, इसका मतलब 180 डिग्री बनाए एक पे और दूसरा भी कितना बनाए 180, दोनों मिलकर कितना हो गया यहाँ पे 360। इसका मतलब तो आधा में कितना बनाएगा इलेक्ट्रिकल 180, लेकिन संयोग से टू पोल मशीन में थीटा इलेक्ट्रिकल जितना होता है उतना ही थीटा मैकेनिकल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पोल आर्क किसको बोलते हैं, ये पोल शू बोले दिख रहा है ना ये वाला, बस यही पोल आर्क कहलाता है, ये पोल आर्क कहलाता है, और पोल पिच कहलाता है ये वाला एरिया, ठीक है। अब समझिए डीसी में एक चीज और बात है, यहां पे समझने की चीजें हैं, यहां पे समझ लीजिए, आगे हम और चर्चा करेंगे। डीसी के अंदर देखिए यहां समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा, यह होता है डीसी के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लक्स बनाने के लिए ताकि उसका वेव फॉर्म हमेशा ऐसा बने अल्टरनेटिंग नेचर का, लेकिन फ्लैट बने, फ्लैट टॉप बनने के लिए हम क्या करते हैं, सब जगह यूनिफॉर्म एरिया रखते हैं, क्या करते हैं यूनिफॉर्म एरिया रखते हैं, समझिएगा एक जगह, ताकि यहाँ से फ्लक्स कटेगा तो सब जगह बराबर फ्लक्स को कट करेगा तो वेव ऐसा बनेगा, फिर जब यहाँ आएगा तो वेव ऐसा बनेगा, फिर यहाँ जाएगा तो ऐसा बनेगा। तो फ्लैट ये बनने के लिए हम क्या करते हैं यूनिफॉर्म रखते हैं। तो कोई कहता है कि यहाँ तक क्यों नहीं इसको कर लेते एकदम सटा के यहाँ तक और यहाँ तक, देखिए यहाँ तक क्यों नहीं करते, यहाँ कुछ गैप रखा जाता है इसके और इसके बीच कुछ गैप रखा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म फ्लक्स बनाया है किसके लिए जी, कंडक्टर को कट करेगा, ये जो है कंडक्टर इस पे जो होगा उसको कट करने के लिए, लेकिन जब दो पोल आमने सामने यहां हो जाता है तो इसका फ्लक्स आपस में हो जाता है यहां पे लीकेज फ्लक्स, क्या हो जाता है लीकेज फ्लक्स, क्या होता है यहां भी इसका फ्लक्स आपस में एन एस में क्या करता है फ्लक्स यहां गुजरने लगता है, तो इसी को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ध्यान रहे लीकेज फ्लक्स के कारण हम क्या करते हैं यहां पे पोल को दूर ही रखते हैं, कितना करते हैं पोल को दूरी में ही रखा जाता है, एकदम पास में नहीं रखा जाता है डीसी मशीन में भी, जबकि यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमको एकदम आसपास रखना चाहिए था, यूनिफॉर्म बनाने के लिए आसपास रखना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी क्या करते हैं थोड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ हम यहाँ तक बना लेते हैं और समझना यहाँ तक अगर इसको बना देता यहाँ तक ऐसे बनाता तो ये इसको फ्लक्स नहीं जाता, ये इस मशीन को नहीं आता, उसको जाने के बजाय क्या करता है ये अपने में यहाँ पे लीकेज कर लेता है, और किसी मशीन के लिए लीकेज फ्लक्स अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे गैप रखते हैं, डीसी मशीन में भी क्या रखते हैं गैप, और यहाँ जो फ्लक्स हो जाता है उस इसको खत्म करने के लिए, लीकेज फ्लक्स को खत्म करने के लिए यहां पे गैप रखते हैं, ठीक है। ये देखिए गैप रहता है, ये क्या करता है गैप रहता है, लेकिन फिर भी आप देखिए अगर डीसी मशीन हो उसके लिए हमेशा प्रिफर किया जाता है पोल पिच जो हो वो या तो फिर बड़ा हो या लगभग बराबर हो किसके पोल आर्क के, किसके पोल आर्क के, समझे इसका क्यों मतलब बोला हूं, क्योंकि ये एकदम नियर क्लोज होगा तो ये भी आर्क भी बढ़ जाएगा, ये देखिए पोल आर्क भी अगर बढ़ जाएगा
ये पोल आर के बढ़ जाएगा और पोल पिच तो इतना है ही, तो क्या होगा डीसी बनेगा, यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा प्लस जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा माइनस बन जाएगा। इसलिए प्रीफर्ड कंडीशन किसके लिए होता है, डीसी के लिए प्रीफर्ड होता है कि पोल पिच लगभग अगर पोल आर्क के बराबर हो तो मशीन हमेशा किसके लिए प्रीफर किया जाता है, ये डीसी मशीन के डिजाइन के लिए प्रीफर किया जाता है, डीसी मशीन के डिज़ाइन के लिए प्रीफर किया जाता है कि एकदम पोल पिच लगभग पोल आर्क के बराबर हो तो हमारा मशीन सबसे बढ़िया होगा। लेकिन एसी में नहीं, एसी में क्या होता है पोल पिच बहुत ज़्यादा होता है किससे, पोल आर्क से, यानी पोल आर्क कम होता है, पोल पिच ज़्यादा होता है। ये चीज़ें भी ध्यान रखने की चीज़ है। अब समझिए और इम्पोर्टेंट यहाँ से खास बात, किसी भी डीसी मशीन में भी बोला जाता है पोल पिच और पोल आर्क का कितना रेशियो रखा जाता है। ये देखिए पोल आर्क इतना है और पोल पिच इतना है, पोल पिच इतना है और पोल आर्क इतना है, बोला जाता है पोल आर्क और पोल पिच, समझिएगा पोल आर्क और पोल पिच का जो रेशियो होता है लगभग 70-75% ही रखा जाता है। कितना, 70-75%। इसका मतलब अगर ये 100 है, ये कितना है 100, तो ये कितना रखा जाएगा 70, यानी दूरी गैप रखा जाता है। ये अगर 100 है तो ये कितना 70, क्लियर। ये हमेशा छोटा रखा जाता है, ये बड़ा रखा जाता है, क्यों, क्योंकि सामने रखने से हमने देखा क्या, ये मशीन को इफेक्टिव फ्लक्स नहीं देता जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये लीकेज होने लगता है, एकदम कॉर्नर पे जाके लीकेज होने लगता है। इसीलिए उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पोल आर्क टू पोल पिच का रेशियो हमेशा रखते हैं क्या 70-75%। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हालांकि आगे और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ जब एसी होता है मशीन के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कैसा होता है जी, एसी नेचर का, उसके बावजूद मशीन में इंडक्टेंस कंसीडर क्यों नहीं करते। डीसी मशीन में देखोगे हमेशा रेजिस्टेंस से लेकर ही न्यूमेरिकल बना देते हैं, जबकि अंदर में कॉइल पे क्या होता है इंडक्टिव नेचर होता है, क्यों, क्योंकि अंदर में तो एसी जाता है वाइंडिंग में, यहाँ पे जितने वाइंडिंग है उसमें तो अल्टरनेटिंग नेचर का जा रहा है, फिर भी इंडक्टेंस इफेक्ट जीरो मान लिया जाता है। इसके क्या रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछी जाती है। तो यहां तक आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, पोल पिच क्या हो रहा है और पोल आर्क क्या है। पोल आर्क ये दूरी है, यहां से यहां बना दूरी, और पोल पिच दो एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं पोल पिच। अब चलिए फोर पोल के लिए समझिए, चीजों को समझिएगा, फोर पोल के लिए यहां से समझता हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, फोर पोल के लिए चीजों को समझना है। फोर पोल में क्या होता है, देखिए फोर पोल का अगर समझना है तो ऐसे देखिए, एक पोल के एरिया में कितना रहा है इतना, एक पोल के एरिया में कितना रहा है यहां, तो इसके लिए अगर फोर पोल की बात करें तो पोल पिच की अगर बात करें, यहां पर देखिए पोल पिच अब भी कितना होगा 180, लेकिन कौन सा जी, इलेक्ट्रिकल, अब भी कितना है पोल पिच हमेशा कितना होता है 180, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री, कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट वेव बनाता है, हाफ वेव ऐसा बनाता है, फिर यहाँ से जाएगा तो एस में तो ऐसा बनाएगा, फिर ऐसा जाएगा तो ऐसा, फिर ऐसा 180 180 180 180, यानी 720 डिग्री ये बनाएगा इलेक्ट्रिकल, तो ऑब्वियसली पोल पिच यहाँ भी कितना होगा, हम कहेंगे 180 डिग्री। लेकिन मैकेनिकली एंगल कोई बोलेगा यहाँ थीटा मैकेनिकल पोल पिच के लिए, इस पोल पिच के लिए थीटा मैकेनिकल कितना होगा जी, तो हम कहेंगे 90 डिग्री है, तो आपको पता है ना, आप कभी भी बोलेगा ये डिग्री कितना है तो 180। अभी आपको दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि दो एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है 180 इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल तो 90 ही होगा, ठीक है ना, यानी एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी कहें तो, या तो आप इन दोनों पोल के बीच की दूरी बोलिए तो वही होगा, या फिर कोई इसके सेंटर से और इसके सेंटर से बोले तब भी दूरी उतनी ही होगा, तो मैकेनिकल 90 लेकिन इलेक्ट्रिकल कितना है 180, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के रिगार्डिंग, हम अब पोल पिच और पोल आर्क के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एक चीज़ तो तय हो गया कि सिर्फ इतने दूर के एंगल को क्यों हम 180 डिग्री बोलते हैं, आई होप कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं, एग्जाम में तो एक तो फॉर्मूला ओरिएंटेड आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि दो एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पोल पिच, ऐसे एग्जाम में पूछता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। कई बार ये भी पूछा, ईएस के एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि अगर डीसी मशीन को प्रीफर किया जाए तो
पोल पिच लगभग किसके बराबर होगा, पोल के आर्क के बराबर, ये लगभग पास होना चाहिए, एकदम पास है ना। और थोड़ा गैप इसलिए रखते हैं कि हमारा लीकेज फ्लक्स ना हो, इसलिए उसके बीच रेशियो भी रखना पड़ता है लीकेज फ्लक्स को खत्म करने के लिए। तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब इम्पोर्टेंट टर्म जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है समझिएगा। कहता है कि स्लॉट, मान लीजिए यहाँ पे कितने स्लॉट हैं, 6 स्लॉट, यहाँ पे स्लॉट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितने स्लॉट हैं, 6 स्लॉट हैं, यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को, 6 स्लॉट हैं, 6 स्लॉट। और पोलों की संख्या कितनी है जी, 2, पोलों की संख्या कितनी है, 2। तो ऐसे क्वेश्चन में कहेगा एक मशीन में 6 स्लॉट हैं, पोलों की संख्या 2 है, तो बताइए इसकी पोल पिच कितनी है, पोल पिच कितनी है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोल पिच कितना दूरी होगा जी, पोल पिच होगा यहाँ से यहाँ, पोल पिच क्या होगा जी, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए कितने स्लॉट आ रहे हैं, एक पोल पर कितने स्लॉट आ रहे हैं, वही तो पोल पिच है। पोल पिच क्या है, एक प्लग, देखिए पोल पिच क्या होता है, एक पोल के बीच की दूरी ये रहा है ना, दो एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी, वही चीज़ पोल पिच है, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर से उतना ही दूरी होगा, या इन दोनों को बांट दीजिए तो भी उतना ही दूरी होगा। अब समझिए स्लॉट बोला है कितने, 6 स्लॉट्स हैं, और मशीन में पोल कितने हैं, 2, तो पूछेगा पोल पिच कितना है, पोल पिच आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं मशीन के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ, इस तरीके से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2 = 3। तो पोल पिच क्या हो गया, अगर इसके टर्म में बोले स्लॉट्स के टर्म में, तो 3, पोल पिच कितना हो गया, 3। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। आपको पता होना चाहिए पोल पिच क्या हो गया जी, पोल पिच ये हो गया कि पोल पिच तो हम जानते हैं एक पोल के बीच कितना एंगल बन रहा है ना, जैसे 4 बंदे हैं तो इसको बांट देते हैं 4 से, 360 को बांट देंगे, लेकिन हर इलेक्ट्रिकल 180 होता है, वैसे यहाँ भी 180 इलेक्ट्रिकल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंगल के टर्म में पूछे तो 180, लेकिन अब दिया है पोल के टर्म में, पोल के टर्म में और स्लॉट के टर्म में, तो हम भी जवाब देंगे पोल और स्लॉट्स के टर्म में। तो यानी हम कह सकते हैं पोल पिच जो है वो क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल। अब होता भी है, टोटल स्लॉट्स कितने, 6, और टोटल पोल कितने हमारे, 2, तो कितने हो गए, 6/2 मतलब 3, यानी एक पिच में कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब एक पिच में कितने स्लॉट्स आ रहे हैं जी, एक पोल पिच में आ रहे हैं 3, एक पोल पिच में हमारे कितने आ रहे हैं, इसलिए 3। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, और नहीं समझे तो बार बार वीडियो को रिकॉर्ड करिए, क्योंकि ये सब चीज आपको जल्दी कहीं नहीं मिलता। चलिए अगर 4 पोल का मशीन हो, पोलों की संख्या कितनी हो, 4 पोल, पोलों की संख्या कितनी हो, पोल = 4, पोलों की संख्या 4 हो, इस मशीन में आपसे बोल रहा है कि बताइए इसका पोल पिच कितना, इसका पोल पिच कितना। तो पोल पिच कितना, अगर नहीं कुछ दिया है स्लॉट लॉट के टर्म में, तो हमेशा पोल पिच कितना डिग्री होता है जी, थीटा इलेक्ट्रिकल, और जो कितना होता है जी, 180 डिग्री, थीटा इलेक्ट्रिकल में 180 डिग्री, क्लियर है। और यहाँ थीटा मैकेनिकल बोले तो कितना होगा, 90, यहाँ थीटा इलेक्ट्रिकल कितना है, 180, और थीटा मैकेनिकल भी कितना है, 180, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, थीटा इलेक्ट्रिकल, लेकिन अगर डिग्री में नहीं पूछे और तब पोल पूछे, देखिएगा तब पोल पिच पूछे लेकिन डिग्री में नहीं दे, तो स्लॉट्स के टर्म में कैसे जवाब देंगे, देखिए कितने स्लॉट्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 12 टोटल हमने कितने बनाए हैं, मान लीजिए 12 टोटल स्लॉट है हमारे पास, स्लॉट्स दिया है इसने 12, समझिएगा स्लॉट्स इन्होंने दिया है 12, ध्यान से समझिए 12। पोलों की संख्या कितनी है जी, पोलों की संख्या कितनी है, 4, इसका मतलब पोल पिच इस कंडीशन में भी हमको कितना आ गया, 3, इस कंडीशन में पोल पिच क्या आ गया, 3, यानी एक पोल पिच में कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, 3, एक पोल पिच में कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, 3, यानी पोल पिच किसको कहते हैं, स्लॉट्स पर पोल। अब एक एग्जांपल उदाहरण के लिए देता हूँ, क्वेश्चन समझिए उसको, जो भी समझिए उसको उदाहरण के तौर पे समझिए, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ समझिएगा, इसको रफ करता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा बैक करके, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम में,
कि स्लॉट्स की संख्या, एक मशीन है उसमें स्लॉट्स की संख्या जो है 96 स्लॉट्स हैं, कितने 96 स्लॉट्स हैं, ठीक है। आपको बोला है नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, उन्होंने बोला 4 पोल है, कितने पोल हैं मशीन में, 4 पोल हैं। तो बोल रहा है आपसे पोल पिच बताइए, पोल पिच कितना होगा, पोल पिच कितना होगा, समझिएगा। पोल पिच तो डिग्री में होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री हमेशा 180, तो डिग्री में अगर नहीं पूछा है, वैल्यू दिया है स्लॉट्स के टर्म में और पोल्स के टर्म में, तो ऐसे का जवाब हम देंगे कि इसका मतलब एक पोल पे, समझिएगा, यहाँ टोटल इसने दिया है 96 स्लॉट, कितने स्लॉट्स हैं 96, और यहाँ पे पोलों की संख्या है 4, पोलों की संख्या है 4, तो हम कहेंगे पोल पिच क्या होता है, नंबर स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, टोटल आपको दिया गया 96, कितने दिए हैं 96, और पोलों की संख्या कितना दिया है 4, इसका मतलब कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चौकसा 24, कितना हो गया 24, पोल पिच कितना हो गया 24, पोल पिच मतलब 24, मतलब एक पोल पे स्लॉट्स कितने पड़ेंगे 24, एक पोल पे स्लॉट्स कितने पड़ेंगे आपको 24, वही उसका क्या हो गया पोल पिच हो गया, क्लियर। तो यहां तक आई होप कि पोल पिच और आपका पोल आर्क में कोई दिक्कत नहीं होगा, और न्यूमेरिकल भी पूछता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, इसको आपको सीख लूंगी ना, आप एक बार नोट डाउन जरूर करना इसको प्रॉपरली, ताकि ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाए। नेक्स्ट टर्म अगर की बात करूं तो हमारे लिए है इंपॉर्टेंट टर्म क्वाइल पिच, क्वाइल पिच। अब तक ध्यान रखें, अब तक जितना चीज पढ़ा मैंने पोल पिच पोल आर्क, तो पोल से रिलेटेड था, वो किससे रिलेटेड था, पोल से। अब क्या बोल रहा है क्वाइल, क्वाइल मतलब क्या, वाइंडिंग, वाइंडिंग से की बात कर रही है। अब ये क्या कर रहा है, बात वाइंडिंग की बात कर रहा है, तो वाइंडिंग की पिच क्या होती है, तो जैसे पोल का पिच था वैसे वाइंडिंग का पिच है, यहां समझिए, जिस तरीके से अगर ये पोल है तो इसका बोलेगा पोल पिच कितना 180, तो दो पोल के लिए इसके वाइंडिंग में कैसे, तो ये देखिए ऐसे, इसके वाइंडिंग में कैसे ऐसे, तो यहां पर पोल पिच, पोल पिच बराबर किसके हैं जी, क्वाइल स्पैन, समझिए मैं कह रहा हूं क्या, या फिर क्वाइल पिच के, पहले समझिएगा। टू पोल मशीन अगर है, टू पोल अगर मशीन है, तो यहां 180 डिग्री, या इसके सेंटर से देखेंगे तो भी 180 डिग्री, यहां अगर क्वाइल होते तो यहां क्वाइल होता है ना, इसके सेंटर में होता तो इसके सेंटर में यहां होता है, ऐसा होता है, तो इसके लिए भी एंगल कितना है जी 180 डिग्री, इसके लिए एंगल कितना है 180 डिग्री, और यहां के सेंटर से यहां की बात करें तो भी कितना है 180 डिग्री, तो पोल पिच क्वाइल स्पैन के बराबर होगा टू पोल मशीन के लिए, और जब ये दोनों बराबर होता है तो इसको बोला जाता है फुल पिच, इसको क्या बोला जाता है फुल पिच, दिमाग में रखें ये चीज। क्वाइल स्पैन क्या होता है, क्वाइल के बारे में बोला गया, क्वाइल की पिच बोला गया, तो क्वाइल के बारे में, अगर ये दोनों यहां से आया, समझिएगा, यहां से आया, यहां घुमा, फिर पीछे गया, ऐसे लौट के आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आया, ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर के बीच कितने का एंगल है 180 का, कितने का एंगल है 180, इलेक्ट्रिकल 180, कितना इलेक्ट्रिकल 180, ये देखिए यहाँ से यहाँ गया तो कितना का डिग्री है 180 इलेक्ट्रिकल, वो बात अलग है कि मैकेनिकल भी अभी 180 दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, अगर आपका क्या होता है पोल पिच बराबर क्वाइल स्पिन और क्वाइल पिच के बराबर हो जाता है टू पोल मशीन के लिए, तो इसको बोला जाता है फुल पिच, क्या बोला जाता है फुल पिच। अब समझिए यहाँ के लिए फुल पिच क्या होगा, जब पोलों की संख्या 4 होगी, यहाँ पे क्या होगा जब पोलों की संख्या 4 होगी, तो समझिएगा वाइंडिंग किस तरीके से होते हैं, यहाँ मैं पहले डिस्कस कर दूँ, ये कैसा होगा एन पोल, तो यहाँ एस, यहाँ एन, तो यहाँ एस, अल्टरनेट चलेगा एन एस एन एस एन एस, है ना, कल भी हमने बताया था आपको कहाँ पे लेफ्ट और वेव वाइंडिंग में एन एस एन एस, है ना, यही तो कट के बनता है ऐसे, है ना। चलिए आगे बात करता हूँ मैं, तो यहाँ की वाइंडिंग कैसी होगी, यहाँ का समझिएगा वाइंडिंग इस तरीके से होता है, यहाँ के वाइंडिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि अब इसको यहाँ से यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एन पोल हो जाएगा, हमेशा अपोजिट पोल पे वाइंडिंग जाता है, एक अगर एन पे जाएगा तो दूसरा कंडक्टर उसका छोर, जो दूसरा टर्न का छोर होता है हमेशा किससे जाता है, अगर एक एन पे रहेगा तो दूसरा कहाँ जाएगा, हमेशा एस पे, इसका मतलब इसकी वाइंडिंग जो होती है अब किस पे कर दी जाती है, इस पे, यानी एक टर्न यहाँ से है तो यहाँ जाएगा, यानी ये कैसा कंडक्टर बनाएगा यहाँ, फिर अगर यहाँ का होगा तो कैसे बनाएगा ऐसे, ये अगर यहाँ से होगा तो कैसे बनाएगा ऐसे, क्लियर ना, तो इस तरीके से बनते हैं। आप समझिए ये पूरा ही स्लॉट्स होगा, चूंकि मैं नहीं बनाया इतना टाइम
टाइम नहीं लगा रहा था तो यहाँ पे पूरे स्लॉट्स होंगे, लेकिन ये हमेशा इसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा। मान लीजिए ये पॉइंट वन है, ये पोजिशन टू है, ये पोजिशन थ्री है, ये पोजिशन फोर है ना। तो एक और फोर का, एक फर्स्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, फोर स्लॉट्स का। फर्स्ट का कॉम्बिनेशन किसके, फोर स्लॉट्स का। अब देखिए यहां भी अगर इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, इसके सेंटर पे बन रहे हैं और इसका पोल पे, देखिए तो पोल पिच क्या होगा अभी समझिएगा, पोल पिच एकदम समझना इसको। पोल पिच क्या है जी, एक इस पोल के सेंटर और इस पोल के सेंटर के बीच की दूरी और वो एंगल में तो 180 हो गया, या फिर यहां से लेकर यहां दो एडजेसेंट पोल के बीच के एंगल को भी बोलते हैं क्या, पोल पिच। तो यहां कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है समझिए 180 डिग्री। और समझिए अब ये पोल, पोल क्या है, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से ये भी कितना बना है 180, तो ये भी कितना 180 समझिएगा, ये भी कितना 180। यहां पे देखिए इसके सेंटर से इसको अगर थोड़ा घुमा दूं तो इसके सेंटर से इसके सेंटर हो जाता, इसको थोड़ा सा घुमाता तो इसके सेंटर से होता तो भी कितना होता है 180 डिग्री, और ये पोल पिच भी क्या है 180 डिग्री। यही चीज़ें हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट पोल यहाँ आसपास है, यहाँ एडजेसेंट पोल अपोजिट था, यहाँ आसपास है तो भी कितना 180 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब कोई कंडक्टर की अगर बात कर रहा हो समझिएगा एकदम बिल्कुल बारीकी से, फर्स्ट स्लॉट कहाँ है, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ स्लॉट में जो आपस में बना रहा है ये कैसा है, आप कह सकते हो फुल पिच। ये कैसा पिच है, फुल पिच। और ये जो फुल पिच है यही क्या है जी, कॉयल स्पैन। कॉयल स्पैन अभी क्या इसी को बोलते हैं, क्योंकि अब कॉयल के बारे में बात कर रहा है, जैसे पोल पिच होता है वैसे ही कॉयल स्पैन होता है, कॉयल पिच होता है, जैसे पोल पिच होता है वैसे ही कॉयल पिच होता है। तो दो एडजेसेंट पोल के बीच ये देखिए एंगल, तो इसी को बोलते हैं कॉयल पिच, ये इसी को बोलते हैं कॉयल पिच, या किसी को बोलते हैं कॉयल स्पैन। तो अभी ये चीज़ें देखिए अभी आपके लिए क्या है, पोल पिच जो 180 डिग्री बन रहा है वही है फुल पिच के। तो फुल पिच, कॉयल स्पैन एक टर्म होता है, कॉयल स्पैन एक टर्म है, जो कॉयल कितना है। अब अगर ये फुल है, पोल के सेंटर से पोल के सेंटर के साथ चल रहा है, तो इसको तो हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, फुल पिच। अब समझिए एक तो कॉयल स्पैन जो होता है, यहाँ पे समझना है कॉयल स्पैन जो होता है या फिर कॉयल पिच जो होता है, बिल्कुल बारीकी से सुनना है, कॉयल जो पिच होता है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, इसका मतलब क्या है, कॉयल स्पैन या कॉयल पिच होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं फुल पिच, एक होते हैं फुल पिच और दूसरा शॉर्ट पिच, दूसरा होता है शॉर्ट पिच, एक होता है फुल पिच दूसरा होता है शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच को और दूसरे तरीके से बोलते हैं कॉर्डेड कॉयल, इसको CHORDED कॉर्डेड कॉयल, इसी को बोला जाता है कॉर्डेड कॉयल, और इसी का नाम है फ्रैक्शनल कॉयल, इसी का नाम है फ्रैक्शनल कॉयल, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉयल। अब समझिएगा फुल कॉयल स्पैन तो क्या है, जैसे कॉयल स्पैन या कॉयल पिच किस, जैसे पोल पिच होता है एक दो एडजेसेंट के बीच जो एंगल बना है 180 डिग्री का, वैसे ही कॉयल है दो एडजेसेंट पोल के सामने, उसके सेंटर से उसके सेंटर जो बनता है वही कहलाता है कॉयल पिच। अब कॉयल पिच को दो तरीके से बांट दिया जाता है, एक फुल पिच और एक होता है कॉर्डेड पिच। अगर ये इसके सेंटर से गया तो इसका मतलब वो बना है फुल पिच, वो क्या बना है फुल पिच। लेकिन अगर वाइंडिंग ऐसा हो, कैसा हो वाइंडिंग समझिएगा, अगर वाइंडिंग के पहले स्लॉट से, देखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसको यहां से ना करके पहले तो इससे था फोर्थ से, अगर यहां का कंडक्टर को समझिएगा, यहां का कंडक्टर को थर्ड से लपेटा मार दे, यहां के कंडक्टर को एक का पहले चार से था तो क्या था फुल पिच, एक का चार से था तो पहले फुल पिच, अगर पहले स्लॉट्स के कंडक्टर को तीसरे के साथ मिलाएं, इसका कंडक्टर को कहां से मिला दूं, तीसरे वाले स्लॉट से, ये तीसरे वाले स्लॉट से, तो अब क्या हुआ एंगल देखिए यहां से यहां कम हो गया, पहले एंगल यहां से यहां तक था, अब एंगल क्या हो गया कम, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट पिच। है तो ये भी कॉयल स्पैन है, तो क्या कॉयल स्पैन है, क्या कॉयल पिच, लेकिन कॉयल पिच क्या है, एक तो होता है जो इसके सेंटर से इसके सेंटर एन पोल के सेंटर से अगर चल रहा है ये यहां से यहां चलेगा या पीछे जाएगा तो आगे आ जाएगा तो होगा आपका फुल पिच। लेकिन अगर एक घटा दिए हम, जो हमारा वाइंडिंग था यहाँ पे उसको चार के बजाय हमने तीने में स्लॉट्स वाले में डाल दिए, अब भी एन एस है तो उसको बोलते हैं शॉर्टेड पिच,
उसी को बोलते हैं कॉर्डेड पिच, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल। पूरा नहीं 100% पे नहीं गया, वो कम पे ही रखा गया, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पिच। यानी कॉइल पिच या कॉइल स्पैन जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, अगर फुल पिच पोल के जैसा अगर वो भी चल रहा, पोल पिच जैसा फुल होता है वैसे ही इसके पोल से इसके पोल सेंटर पे अगर चल रहा हो लपेटा यानी वाइंडिंग, तब तो कहलाता है फुल पिच। नहीं अगर आप पहले वाइंडिंग करा देंगे तो उसको कहलाते हैं कोडेड क्वाइल, या फिर बोलते हैं शॉर्ट पिच, या बोलते हैं फ्रैक्शनल पिच। आप कहेगा भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों करते हैं, अगर सेंटर टू सेंटर करते कितना बढ़िया तो है, इसका सेंटर इसके साथ चलता, इसके सेंटर इसके साथ चलता, तो फिर दिक्कत क्या चल रही थी। तो हम कहते हैं, तो अब कहते हैं कि दिक्कत क्या थी, तो अब समझिएगा कि इसको घटाने की, कोडेड कॉइल कब करते हैं, सेविंग ऑफ कंडक्टर के लिए, सेविंग ऑफ कंडक्टर के लिए हम क्या करते हैं कोडेड कॉइल, क्योंकि जब कोई कंडक्टर देखिए यहां से जाता है यहां से, तो यहां एकदम दूरी के साथ जाता है, तो पीछे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता, तो कंडक्टर की सेविंग नहीं होती। हम क्या करते हैं इसको पहले मोड़ देते हैं, पहले मोड़ने से पीछे वाला कंडक्टर कम होता है, सेविंग ऑफ कंडक्टर होता है, मशीन का वजन कम होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे हम कोडेड कॉइल का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे चीज बेनिफिट्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि ये बुक्स के अंदर यही चीज़ कैसे लिखा रहता है, एक बार देख लीजिए कि बुक्स के अंदर इसी चीज़ को कैसे बताता है, कॉइल स्पैन क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, बुक के अंदर क्या होता है, देखिएगा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बुक्स के अंदर क्या होता है, इसी को समझाया जाता है बुक के अंदर कि एक एन पोल है दूसरा एस पोल है, एक एन पोल है दूसरा एस पोल है। बुक के अंदर देखिए कैसे समझाएगा आपको, बोलेगा देखिए अगर इसके सेंटर से आपके वाइंडिंग्स ऐसे चलें, इसके सेंटर से आपके वाइंडिंग ऐसे चलें, इसके सेंटर से इस पोल के, इस पोल से यानी इस पोल के सेंटर से जो वाइंडिंग आपने किया है, इस पोल के सेंटर से और इस पोल के सेंटर से जो वाइंडिंग किया है, तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलता है फुल पिच। इसको क्या बोलता है जी, फुल पिच। इसको क्या बोलता है, फुल पिच, जिसकी इलेक्ट्रिकल एंगल कितनी होती है 180 डिग्री। बुक के अंदर ये चीज़ें हैं, बुक के अंदर आपको यही चीज़ें दिखती हैं, इसके बीच इतना। लेकिन अगर आप कोडेड कॉइल करते हैं तो पहले लपेटा लगा देते हैं, यानी इसी स्लॉट एक पहले में लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कोडेड कॉइल। तो कोडेड कॉइल के लिए बुक में आपको दिखाता है क्या कि देखिए यही एन पोल एस पोल है, और ये देखिए कैसे दिखाता आपको, वहाँ पे एन पोल एस पोल है और ये N है ये S है, समझिएगा ये ऐसे N है या ऐसे S है। तो बोलता है कोडेड करने के लिए, तो उससे पहले कर देना है, कैसे करना है, पहले ऐसे ही दिखा दिया, जो यहाँ तक आना चाहिए था अब आपका कंडक्टर क्या हुआ पहले आ रहा है। देखिए इस S से पहले, इसके सेंटर से पहले आ गया, जबकि पहले यहाँ तक था। तो ये क्या है, फुल पिच, ये है फुल पिच, और इससे पहले जब घटा दिए, ये घटा दिए, तो इसको बोलते हैं कोर्डेड कॉइल, कोर्डेड कॉइल मतलब घटाया हुआ कॉइल, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट पिच, इसी को बोलते हैं शॉर्ट पिच। यहाँ भी देखिए यहाँ से वाइंडिंग आया, ये वाइंडिंग आया, उसको पहले घटा दिए, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच, इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच, और यहाँ से यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर तक रहा, तो बोलते हैं फुल पिच, जो आपको मशीन में यहाँ पे दिख रहा है। आई होप यहाँ तक को आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए, बहुत आसानी से चीज़ों को आपने समझा होगा कि बुक्स के अंदर कैसे होते हैं, एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, वाइंडिंग किस तरीके से होते हैं, वाइंडिंग जाओ और तरीके से, सिंगल लेयर होता है, डबल लेयर होता है, मल्टी लेयर होते हैं, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आगे के सब्जेक्ट को, यानी अब हम आगे देखेंगे क्या हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अगर इसकी बात की जाए तो आगे हम देखेंगे इसमें सेल्फ एक्साइटेड मशीन कैसा होता है, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन कैसा होता है, उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, किसमें बैटरी की जरूरत होती है, यहाँ सब्जेक्टिव टाइप देखने को मिल जाता है, और ये सब चीज़ें होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये सब चीज़ें, इसीलिए इसको आप कम से कम एक बार पढ़ें, नहीं तो दो बार वीडियो देखें, आगे बढ़ जाने के बाद फिर एक बार कभी पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसकी नोट्स आप बहुत अच्छे से जरूर बना लेना अगर दिमाग में आपका बैठ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।